हमें क्षमा करें प्रभु, सारा दोष उस चंद्रिया का है। अब ये चंद्रिया कौन है? आपको विदित नहीं है महाराज? हमें विदित नहीं है, क्षमा करें, आप ही बता दीजिए कौन है चंद्रिका। महाराज चंद्रिका नहीं, चंद्रिया। अरे हाँ हाँ, चंद्रिया चंद्रिया, पर हुआ क्या, क्या किया चंद्रिया ने? वो आया नहीं। कहाँ नहीं आया देवी, कहाँ आना था चंद्रिया को, और है कौन चंद्रिया? वही बैलगाड़ी वाला, उसी की तो बैलगाड़ी में हम घर वापस लौटते हैं, और उस दिन वो आया नहीं, फिर हम लाचार हो गए और हमें सावित्री के घर पे रुकना पड़ा। चंद्रिया को प्रस्तुत किया जाए तत्काल। प्रणाम महाराज, हमें क्षमा करें, हमारी पत्नी गर्भवती है, वो मायके गई हुई है, और हमारे बड़े पुत्र का अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, इसलिए हमें घर पे रुकना पड़ा। हम लाचार थे प्रभु, यदि हमारी पत्नी मायके नहीं गई होती तो वह घर में होती, और हम मछली वाली को उसके घर ले आते, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है महाराज। प्रणाम महाराज, हर गर्भवती स्त्री अपने सातवें मास में मायके जाती है, इसमें अपराध क्या है प्रभु? रोहिणी सही कह रही है महाराज, सत्य है तुम्हारा कथन, मायके जाना कोई अपराध नहीं है, परंतु तुम इस समय गर्भवती क्यों हुई? पूज्य गुरुवर, एक सौभाग्यवती स्त्री का विवाह के उपरांत गर्भवती होना तो प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें ये अपराधी कैसे हुई? अपराधी हुई? हाँ महाराज। नहीं 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 महाराज। और गुरुवर, कौन से शास्त्र में पढ़ा है आपने ये सब? हमें तो निश्चित रूप से लगता है कि आपको कुछ हो गया, और हमारे विचार से आपको अभी अपने आवास जाना चाहिए और विश्राम करना चाहिए, आपको विश्राम की आवश्यकता है। नहीं नहीं महाराज, हमें कुछ नहीं हुआ, हम स्वस्थ। तो फिर बैठ जाइए अपने स्थान पर। जी। लगता है महाराज आज कुछ अप्रसन्न है, कहीं हमें निष्कासित ना कर दे, जो प्लान है उत्तम होगा। आप सभी ने सब कुछ देखा और सुना, अब आप सबको ये निर्धारित करना है कि वास्तविक अपराधी कौन है। आपकी मन स्थिति और कौन? कुछ कहा आपने? नहीं 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 महाराज, कुछ नहीं कहा। बताइए शांत क्यों हो गए? दरबार में आप सभी अनुभवी और बुद्धिमान हैं, बताइए कौन है वास्तविक अपराधी? रमन्ना अपराधी है महाराज। सावित्री अपराधी है? नहीं महाराज, चंद्रिया अपराधी है। मछली वाली सरला प्रभु, आप सभी का निष्कर्ष अनुचित है, और हम विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय आप सभी को इसी क्षण इस दरबार से निष्कासित करते हैं। चले जाइए। धनमणि कहाँ गए? महाराज, महाराज हमें क्षमा करें, अति आवश्यक कार्य है, विजयवाड़ा में एक समस्या आन पड़ी है, उस समस्या का समाधान करने के लिए हमारा वहां उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। आज्ञा दीजिए महाराज। गुरुवार। जी महाराज। आप बताइए हमें, पंडित हैं आप, हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं विजयनगर राज्य के, बताइए कौन है इनमें से वास्तविक अपराधी? महाराज हमारा आपसे निवेदन है, आप हमें एक दिवस का समय दे दीजिए, हम वास्तविक अपराधी को अवश्य आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। एक दिवस का समय उचित है गुरुवर, हम आपको एक दिवस का समय देते हैं, और एक दिवस के पश्चात
आप हमको बताएंगे कि इनमें से वास्तविक अपराधी कौन है। धन्यवाद महाराज। क्या करेंगे? पंडित रामकृष्ण मियानी, अन्यथा हम उसे फंसा देते। पूछ लो, वो कहेंगी लड्डू, मैं समझूंगा हलवा। हम उनसे वार्तालाप नहीं कर रहे। अरे पर माँ, क्या खाओगी? ये क्या होता है? माँ केले इतने बड़े नहीं होते, काट के खाने पका के। अरे हाँ, मदिरा पियोगी अम्मा? अरे बस 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 अम्मा, बहुत हुआ ये मौन व्रत, आज से तुम्हारा मौन व्रत समाप्त। और शारदा महोदया, तुम्हारा मौन व्रत आज से शुरू। ना देखती हो ना समझती हो कि पति कितना चिंतित है, बस उलाने देना आरंभ कर देती हो। तुम्हारा तो ना बोलना ही बेहतर है। नहीं, बस मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे यहाँ इतनी भूख लगी है और इनका ये झगड़ा ही समाप्त नहीं होता। अरे पति की भूख का कोई महत्व नहीं है। ये गुंडप्पा, इसे भी सबक सिखाना ही पड़ेगा, बड़ा चतुर बना फिरता है। वही तो समस्या है, मैंने क्या किया? तू कुछ करता ही नहीं है, दिन भर बस क्रीड़ा 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 और उल्टी पुल्टी बातें। अब यदि कोई भी शरारत की ना तो वृक्ष पर उल्टा लटका दूंगा, बता रहा हूं। देखा शारदा, खुजली केवल महाराज को नहीं, इन्हें भी महाराज की खुजली है। सही कह रही हैं आप अम्मा, दरबार से निष्कासित कर दिया है इसलिए गुस्सा हम पर उतार रहे हैं। अरे महाराज, आप ये किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं? आपने राज दरबार से सभी को निष्कासित कर दिया। हम जो कर रहे हैं उचित कर रहे हैं। यदि कल आचार्य तथा आचार्य आपके प्रश्नों का उत्तर ना दे पाए तो आप उन्हें भी निष्कासित कर देंगे? हाँ, निष्कासित कर देंगे। परंतु महाराज, यदि आप सभी को निष्कासित कर देंगे तो आप इतने बड़े राज्य का कार्यभार कैसे संभालेंगे? उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम जो कर रहे हैं आवश्यक है, अति आवश्यक है। सभी ने परिहास समझ लिया है, अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए हैं सब। तो हम कर रहे हैं ये सब के लिए सबक है, पंडित रामकृष्ण के लिए भी और सभी सभासदों के लिए भी। यदि आपको उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो कौन है दोषी? ये ज्ञात नहीं हुआ तो उत्तर भी अवश्य मिलेगा और सभी को सबक भी। आप इतने आश्वस्त कैसे हैं? महारानी चिन्ना देवी, ये तो शाश्वत सत्य है। मनुष्य को जब भी प्यास लगती है वो कुएं के समीप ही जाता है। क्या सोच रहे हैं गुरुजी उस वांछित अपराधी के बारे में? ना पहले हमें ये बताओ, दरबार में हमें अकेला छोड़कर कहां पलायन कर गए थे? गुरुजी, अगर दरबार से पलायन नहीं करते तो और दरबारियों की तरह दरबार से निष्कासित हो जाते ना, इसलिए। और नहीं तो क्या गुरुजी, आपके भरोसे रहते तो निष्कासित हो ही जाते। आपको भी भला कहां गया था महाराज के प्रश्न का उत्तर? सत्य है आचार्य, यदि आपने उत्तर दे दिया होता तो मैं भी निष्कासित होने से बच जाता। अभी चुप करो, सब कह सब चुप करो, हमें भी तो उत्तर ही चाहिए। गुरुदेव, आपने हमें यहाँ अचानक उपस्थित होने का संदेश किस प्रयोजन से भेजा है?
महाराज के प्रश्न का उत्तर और वास्तविक अपराधी के नाम जानने के लिए हमने आवश्यक बैठक बुलाई है। अब आप महामंत्री बताइए, आप कौन है अपराधी? आचार्य, यदि हमें यह उत्तर ज्ञात होता तो अति आवश्यक कार्य का कारण देकर हमें राज दरबार से भागना नहीं पड़ता। और चतुर है आप। धन्यवाद आचार्य। महामंत्री जी, यदि हमने महाराज के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो कल दरबार से हमारा निष्कासन भी निश्चित है। क्या करें हम? गुरु माता के साथ विश्व भ्रमण पर जाएं गुरुदेव। ए भगवान, महामंत्री जी, हमने निष्कासन के बाद क्या करना है ये प्रश्न नहीं पूछा आपसे। निष्कासन से कैसे बचा जाए ये प्रश्न पूछा है आपसे। इसका एक ही उपाय है आचार्य। क्या? केवल एक ही व्यक्ति है जिसे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात है। हाँ गुरुजी, आपको भी भली भांति ज्ञात है ना कि इस प्रश्न का उत्तर आखिर है किसके पास, है ना? पूरे विजयनगर में एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसके पास हर समस्या का हल होता है गुरुजी। होगा, हमें स्मरण नहीं है। सोचिए गुरुवर। सोच लिया है। हमारा विचार है कि हम स्वयं वास्तविक अपराधी का पता लगाएंगे। हर मत करिए गुरुवर, बुलवाइयों में कदापि नहीं। हमारा निर्णय कदापि परिवर्तित नहीं होगा। स्वामी, क्या असली अपराधी का पता कैसे ज्ञात होगा? इसका उपाय हमें ज्ञात है। तुम्हें? जी। बहुत अच्छा, बताओ कैसे? बस आपके गले में रस्सी बांधनी पड़ेगी। हमें फांसी पर लटकाना चाहती हो? नहीं नहीं स्वामी, आपके गले में रस्सी बांधकर आपको कुएं में लटका देंगे बीचो बीच, उसके बाद आपको जल में डुबो देंगे। इससे आपको मस्तिष्क शीतल होगा और आप स्वयं तोड़ पाएंगे कि असली अपराधी कौन है। मस्तिष्क नहीं, हम पूरे के पूरे शीतल हो जाएंगे। हाँ। मस्तिष्क के साथ साथ शांत हो जाएंगे सदैव सदैव के लिए। हाँ। हम ऐसी हैं। रामा रामा। अब समझे गुरुजी, यही उचित है। राम का नाम लेने से ही समस्या का हल प्राप्त हो पाएगा। जी गुरुजी। ठीक, हम कल प्रातः काल पंडित रामाकृष्णा के निवास पर जाएंगे। अब उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। आचार्य, हम कब से आपसे यही तो निवेदन कर रहे थे। देखिए, आप स्वयं पंडित रामाकृष्णा के आवास पर जाकर उनसे निवेदन कीजिए, तभी वो अवश्य आपकी सहायता करेंगे। हाँ, परंतु हम अकेले नहीं जाएंगे, आप सब भी हमारे साथ चलेंगे। हम भी चलेंगे। ठीक है। करे जा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या कारण है। दादा, लगता है उस कौवे को भी निष्कासित कर दिया गया है, इसलिए केवल काँव काँव कर रहा है। कौवे का काँव काँव करने का मतलब है कि कोई अतिथि आने वाला है। शारदा के घर से ही कोई आने वाला होगा। हमारे परिवार में आने के लिए कोई जीवित तो रहा नहीं। तुम दोनों के चेहरों के भाव से लग रहा है कि तुम्हारे बीच का युद्ध समाप्त हो गया है। बोलचाल फिर से आरंभ हो गई? नहीं, अब क्या करेंगे? तुम दरबार से निष्कासित होके यहाँ पर घर पर बैठे हो, हम सब पर चिल्ला रहे हो, इसलिए हमने अपना झगड़ा एक अंतराल के लिए स्थगित कर दिया है। अवसर मिलने पर पुनः प्रारंभ कर लेंगे। चाली और सब लोग आए हैं। हैं? ये सब यहाँ? अम्मा, अतिथि नहीं,
पूरी बारात आ रही है, इनकी आवभगत करते हैं। आप सब यहीं ठहर जाइए, आपको भीतर प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं। मनी मनी। जी गुरुजी। इधर जाओ, पंडित रामा कृष्णा को सूचित करो, उसे कहो कि आचार्य तथाचार्य पधारे। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। क्या मतलब? इसका कहने का मतलब है गुरुजी, हमें ही अंदर प्रवेश करना होगा। पंडित रामकृष्ण बाहर आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इससे अच्छा हम वापिस चलते। चलिए। नहीं 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 गुरुजी, मनी तो मुंह रखे। आप ये सोचिए कि अगर महाराज को उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो आपको भी दरबार से निष्कासित कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। चलते तो सारा प्रकरण इस प्रकार है। महाराज को अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए और वास्तविक अपराधी की पहचान भी। चलिए चलिए पंडित रामकृष्ण, उठिए और तत्काल वस्त्र धारण कर हमारे साथ प्रस्थान कीजिए। हम आपसे कह रहे हैं चलिए चलिए और शीघ्रता से चलकर महाराज की समस्या हल कीजिए। यह हम राजपुरोहित तथाचार्य आपसे कह रहे हैं, उठिए। गुरुवर, मैं आपके साथ चल तो लूं, परंतु क्या करूं, थोड़ा लाचार हूं। अब ये झूला रुके तो मैं नीचे उतरूं, मैं नीचे उतरूं तो मैं जाकर तैयार हूं, मैं तैयार हूं तो फिर मैं आपके साथ चलूं ना, परंतु क्या करूं, ये झूला रुकता ही नहीं। क्यों है गुंडप्पे? झूला रुक नहीं रहा है। झूला नहीं रुक रहे, क्या तात्पर्य क्या है आपका? है गुरुजी, क्या है? जिस प्रकार आप कह रहे हैं ना, हमें नहीं लगता कि ये झूला कभी रुकने वाला है। गुरुजी, ऐसे आप अनुरोध करेंगे? इतनी प्रेम से अनुरोध कीजिए ना, कमर झुका के झूला रोकिए गुरुजी। यदि झूला नहीं रुका तो ना आपके पास कल झुकाने के लिए कमर होगी और ना बोलने के लिए गला होगा। उस सोचिए फिर सुदामिनी देवी का क्या होगा, जो आपके सहारे जीती है, जिसके सहारे आप जीते, फिर तो उसे किसी और सहारे की जरूरत पड़ेगी ना। कमर झुकाई, रोकी झूला। पंडित रामकृष्णा जी। गुरुवर, हमारा आपसे निवेदन है, आप झूले से उतरिए, हमारे साथ चलिए और महाराज के प्रश्न का उत्तर दीजिए, अन्यथा आपके जीवन पर हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम सबके जीवन पर और सम्मान पर विपत्ति आ जाएगी। समझ रहे ना आप? अब देखिए, ये बेचारा कोतवाल निष्कासित हो चुके हैं, उनकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा, विचार कीजिए। अब क्या हुआ? नहीं गुरुवर, महाराज के प्रश्नों का उत्तर मेरे पास तो नहीं है। ऐसा मत कीजिए पंडित रामकृष्णा, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं जिसका उत्तर आपके पास हो, कृपया करके चलिए ना। जी, प्रश्नों के उत्तर मस्तिष्क में आते तो है, परंतु फिर चले जाते हैं। एक उपाय है, यदि आप मेरे कहने पर एक कार्य करें तो संभवतः मेरे मस्तिष्क में प्रश्नों के उत्तर आ सकते। आदेश दीजिए पंडित रामकृष्ण, आज आप बस आदेश दीजिए। आप जो भी कार्य जिस भी प्रकार करने को करेंगे, हमारे गुरुजी वही कार्य उसी प्रकार करेंगे। क्या करें, क्या चाहते हैं आप, कैसे चलेंगे आप? पालकी पर लेके जाए, पालकी उठाए उस पर लेके जाए आपको? तभी तो गुरुवर, आपको सब इतना बुद्धिमान समझते हैं, यही तो वो कार्य है। आप चारों पालकी में मुझे बिठाकर पूरे नगर में भ्रमण कराते हुए राज दरबार पे लेके चलेंगे। पूरे रास्ते मेरा गुणगान करेंगे, मेरी जय जयकार करें, मेरे लिए एक भजन भी गाया जाए। फिर राज दरबार में पहुंचकर मुझ पर पुष्पों की वर्षा की जाए, मेरी आरती उतारी जाए, मेरा मनपसंद शरबत भी मुझे पिलाया जाए, तब कहीं जाकर मुझे प्रश्नों के उत्तर और वास्तविक अपराधी का नाम कदाचित सूझ सकता है।
संभालिए, संभालिए गुरुजी।